आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन में डायमंड्स कैसे फाइंड आउट करें वो बताऊंगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो, मैंने यहाँ पर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल आर्मर पहना हुआ है जो कि डायमंड का है, जो आप भी यहाँ पर बना सकते हो अगर आप लोगों के पास डायमंड हो। और उससे भी बेहतरीन आप स्वॉर्ड भी बना सकते हो जो कि वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल यहाँ पर स्वॉर्ड है। तो यहाँ पर डायमंड्स मिलने के दो मेथड हैं, या तो आप लोग ऐसे वैसे घूमते रहो और आप लोगों को जहाँ चेस्ट मिलेगी, ट्रेजर मिलेगा, वहाँ पर आप लोगों को यहाँ पर डायमंड मिल सकते हैं। और जो दूसरा मेथड है वो है यहाँ पर आप लोग माइनिंग पे जाओ। तो यहाँ पर माइनक्राफ्ट पॉकेट एडिशन 1.21 अपडेट में यहाँ पर हम लोगों को डायमंड बाय लेवल 60 से बाय लेवल 62 तक यहाँ पर आप लोगों को डायमंड और मिल सकता है। तो चलिए मैं आप लोगों को कैसे वो लेते हैं वो बताऊंगा। तो इसको लेने के लिए आप लोगों को जमीन के अंदर बाय लेवल -16 से बाय लेवल -62 तक जाना पड़ेगा। तो इसमें नीचे जाने के लिए एक जो मेथड है वो है कि आप लोग केव से जाओ, नहीं तो आप लोग यहाँ पर डायरेक्टली खड्डा मार के नीचे जा सकते हो। तो इस मेथड के लिए आप लोगों को याद में रखना है कि यहाँ पर आप लोगों को वुडन पिकैक्स की यहाँ पर बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करना है। आप लोगों को यहाँ पर आयरन पिकैक्स या फिर डायमंड पिकैक्स या फिर आप लोगों को नेदरराइट पिकैक्स का यहाँ पर इस्तेमाल करना है। यहाँ पर आप लोगों को अपने पिकैक्स पर फॉर्चून एन्चेंटमेंट का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हो, ताकि आप लोगों का जो ड्रॉप रेट है डायमंड्स की वो थोड़ी ज़्यादा बढ़ जाए। तो यहाँ पर आप लोगों को इस माइनिंग मेथड में आप लोगों को आगे के 30 ब्लॉक तक यहाँ पर 4x4 करके इस तरीके से कुछ ब्लॉक्स माइन करने हैं। तो यहाँ पर मैंने माइनिंग करना स्टार्ट किया हुआ है था कि मुझे यहाँ पर अपना जो पहला डायमंड ओर है वो मिल चुका है। तो आप लोगों को यहाँ पर आगे 30 ब्लॉक तक माइन करना है, मैंने बस इतना किया है। बाद में आप लोगों को यहाँ पर दो ब्लॉक साइड में छोड़कर आप लोगों को 2x1 करके यहाँ पर इस तरीके से साइड से खोदना शुरू करना है स्ट्रेट 40 ब्लॉक्स तक। तो यहाँ पर 40 ब्लॉक्स तक खोदने के बाद आप लोगों को फिर से दो ब्लॉक छोड़कर यहाँ पर फिर से 2x1 का खोदना है 40 ब्लॉक्स तक। तो इस तरीके से आप लोगों को साइड से खोदते जाना है और बाद में इसी तरीके से आप लोगों को सेम अपोजिट साइड में भी करना है। तो माइनिंग करते वक्त अगर आप लोगों के पास इस तरीके से लावा आ जाता है तो अपने पास इन्वेंट्री में पास ही में एक जो ब्लॉक है नॉर्मल वो रखना, ताकि आप लोग माइनिंग करते वक्त मरने से बच सको। तो यहाँ पर मैंने 15 मिनट लगभग माइनिंग की हुई है और यहाँ पर आप लोग देख सकते हो मुझे यहाँ पर 1, 2, 3 डायमंड्स यहाँ पर और मिल चुके हैं, तो कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर नीचे भी मुझे और एक मिल चुका है। तो इस तरीके से कुछ आप लोग यहाँ पर माइनक्राफ्ट में डायमंड्स प्राप्त कर सकते हो। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना।